Hello children, welcome to ASA Education, your own learning channel. आज हम RBSE बोर्ड की इंग्लिश बुक Let's Learn English ग्रेड 1 का फर्स्ट चैप्टर करेंगे. इस चैप्टर में 6 स्मॉल पोएम्स हैं. पहले हम पोएम सिंग करेंगे, उसके बाद उनका हिंदी में अर्थ करेंगे. बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि पोएम का कभी कभी वर्ड बाई वर्ड मीनिंग नहीं होता है. कुछ शब्द पोएट सिर्फ राइम करने के लिए जोड़ देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. सो यूनिट 1, थैंक यू गॉड, धन्यवाद भगवान. लेट्स सिंग, चलिए अब गाते हैं. थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू गॉड फॉर द बर्ड्स दैट सिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग. चलिए अब इसका हिंदी में अर्थ जानते हैं. संसार को इतना प्यारा बनाने के लिए धन्यवाद भगवान. जो खाना हम खाते हैं उसके लिए धन्यवाद. चिड़ियां जो गाती हैं उसके लिए धन्यवाद. समस्त चीजों के लिए धन्यवाद भगवान. सो यहाँ आपकी ये फर्स्ट पोयम फिनिश होती है. अब हम सेकंड पोयम पढ़ेंगे. तो सेकंड पोयम है Sing a little, smile a little. Let's sing. Sing a little, smile a little, do this every day. Love a little, laugh a little, do this every day. थोड़ा गाओ, थोड़ा मुस्कराओ, ये प्रतिदिन करो. थोड़ा प्यार करो, थोड़ा हंसो, यह प्रत्येक दिन करो. So आपकी थर्ड पोयम है Early to bed. Let's sing. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. जल्दी सोना, जल्दी उठना आदमी को स्वस्थ, अमीर और बुद्धिमान बनाता है. फोर्थ पोयम है work while you work. Let's sing. Work while you work, play while you play, that is the way to be happy and gay. काम के समय काम करो, खेल के समय खेलो, यही एक रास्ता है खुश और प्रसन्न रहने का. फिफ्थ पोयम पीटर पैटर. लेट्स सिंग. पीटर पैटर सॉन्ग ऑफ फॉलिंग रेन, पीटर पैटर डाउन माय विंडो पैन. टिप 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 गिरती हुई बारिश का गाना है, टिप 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 जो मेरी खिड़की पर गिरती है. सो इस चैप्टर के लास्ट पोयम है आई सी द मून. Let's sing. I see the moon and moon sees me. God bless the moon and God bless me. मैं चांद को देखती हूँ और चांद मुझको देखता है. भगवान चांद को आशीर्वाद दे और भगवान मुझे आशीर्वाद दे. यह आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है. इस चैप्टर में 6 स्मॉल पोएम्स थी जिनको हमने पहले इंग्लिश में पढ़ा और उसके बाद उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आशा है आपको ये वीडियो हेल्पफुल और एजुकेशनल लगा होगा. अगर आपको हमारे ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को भी बताएं. अगर आपका कोई क्वेश्चन या कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें. थैंक यू.